नाम विशाल, पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली इंडियन हूँ, हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ, इसके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं, इंडियन है हम, राइट। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं इंडियन हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जर्नी, मेरी ऐसी सफर आपको बताऊंगा कि क्या मैंने इस टाइम में किया कि आप लोग भी NMS अगले एक साल में बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री में कैसे मेरा आना हुआ, प्लस टू के बाद मेरे पास दो रास्ते थे, मैंने स्टडीज चूज किया BCOM, क्योंकि मेरे पास इतनी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं नॉन मेडिकल ले पाता उस टाइम पे। तो मैंने BCOM में गया, उस टाइम पे मुझे एक कंपनी में मौका मिला आने का, आज से लगभग 7 साल पहले। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी एक ज्वाइन की, मैं उसमें लगभग 5.5 साल काम किया और मेरा हाईएस्ट पेआउट वहां पे था 14,500 रुपए। और 5.5 साल मैंने उसमें इतनी एफर्ट्स की, मुझे ये लगा कि यार मैं फेलियर हो चुका इस इंडस्ट्री का, वो कुछ बन नहीं पाएगा। अचानक ही मुलाकात हुई मेरे अपलाइन के साथ, मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा उनके लिए, मिस्टर अमित मलिक जी जो मेरी लाइफ में आए। उन्होंने मुझे कहा, विशाल कुछ भी संभव है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं कहा सर बिल्कुल रेडी हूं, डोंट वरी। बिजनेस को स्टार्ट किया, एक चीज के कंफर्म था कि ये बिजनेस चलता है एजुकेशन से, मोटिवेशन एक लेवल तक चलती है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस और नो? एजुकेशन के कुछ बेसिक्स पता थे, उस बेसिक्स को आपको मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों से, क्या मैंने किया इस जर्नी के अंदर और मैं NMS बनवा इस बिजनेस के अंदर, वरना 5.5 साल पहले भी तो काम किया, राइट? तो पहली चीज मैंने इस बिजनेस में सीखी जो थी एक्साइटमेंट और पैशन। अगर आप में जुनून नहीं है किसी भी काम को लेकर, आप कामयाब नहीं हो सकते। यस और नो? दूसरा मैंने चीज सीखी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी नेटवर्कर अदर कंपनी का जो हमारे सामने बैठ जाए, हम उनको ये बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे होता है, उसके 7 कारण। हम ये बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज क्यों करना चाहिए। हम उनको ये बता सकते हैं कि अगले उनको 6 महीने 1 साल में उनका पे आउट कहाँ हो सकता है, राइट? ये आपका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब आपके पास एजुकेशन होगी। यस और नो? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, और एजुकेशन के बेस पे आज मैं इस बिजनेस में 15 से 16 महीने में नेशनल मोटिवेशन स्पीकर रैंक अचीव कर पाया। वो एजुकेशन कुछ टिप्स जानना चाहते हैं, यस और नो? क्या ऐसा मैंने किया इस इंडस्ट्री के अंदर और आज कामयाबी मैंने ली? देखो, मुझे एक चीज समझ थी जो मैंने भूप सर से सीखी। भूप मलिक सर एक बात कहते हैं, वैष्णो देवी कौन कौन गया यहां से? वैष्णो देवी सबने सुना है, माता जी का मंदिर। वहां पर जो चढ़ाई होती है जो कितने किलोमीटर की होती है? 14 किलोमीटर की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 16 घंटे में पहुंचते हैं, कुछ लोग 12 घंटे के अंदर, कुछ लोग 14 घंटे के अंदर, कुछ लोग 12 घंटे के अंदर, कुछ लोग 8 घंटे के अंदर, कुछ लोग 6 घंटे के अंदर, और कुछ लोग हमारे जैसे 4 घंटे के अंदर भी पार कर देते हैं वो चढ़ाई। क्या दूरी कम हुई? क्या किया? स्पीड बढ़ा दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीख ली थी कि अगर आपने स्ट्रगल की पहले 6 महीने तो आप दिक्कत है बहुत बड़ी, आपको स्पीड में काम करना है, मोमेंटम के साथ काम करना है। मोमेंटम ऐसी चीज है, एक बार अपने पकड़ लिया मोमेंटम को, आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट स्पीड से बिगड़ेगा।